अभी हमारी ट्राम अभी आप तो इस पे हम ना चूल्हा बिल्कुल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन डन हो गया। ये जी इधर पास्ता मैक्रोनी। चलो जी चलें। अनिवा जी ओके निकले जी। अल्लाह का पीछे हमारा स्टोर भी देख लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सदा आबाद रहें, खुश रहें। तो मैं आज जा रही थी डॉक्टर के पास, मेरा टाइम था तो हस्बैंड मेरे साथ जा रहे थे, तो आज ये बनाया छोटा सा वीलॉग जो आज आपसे करूँगी शेयर इंशाल्लाह से। तो चलते हैं वीलॉग की तरफ, देखते हैं कि आज क्या हो रहा है। तो ये हम घर से तैयार होकर निकल रहे थे, डॉक्टर के पास गए थे और उसके बाद छोटी सी रेसिपी आपसे करूंगी शेयर। और ये हम दुआएं पढ़ के निकलने लगे थे घर से, ट्राम की तरफ जाने लगे थे और फिर बाकी आपसे उधर चल के तो ये जी हम लिफ्ट से निकल आए थे और रवां दवां थे अपनी ट्राम लेने के लिए। और मैंने सोचा यहाँ से भी थोड़े से क्लिप बनाती चलूँ। और मौसम हो रहा था बारिश का, बारिश ही बारिश थी हर तरफ और पहले भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, पूरी रात ही बारिश। मौसम पे कुछ कहें जी। आज मौसम सुहाना है, बादल हुए हैं, सारी रात बारिश होती रही है, अभी भी किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। ये बूंदाबांदी कल से लगी हुई। अभी हमारी ट्राम अभी आप है। मौसम पे पूछ गए कुछ करें जी, मौसम पे पूछ करें। मौसम पूछ हो रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ शुरू हो जाएगी, यानी कि बारिश आना शुरू हो जाएगी। बादल गहरे आए हुए हैं, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती है। सारी रात लगी रही, ये फ्रांस है, यहाँ पे कोई पता नहीं चलता। ये थे जी मौसम का हाल बताने वाले और इन्होंने मौसम का हाल फ्रांस का बता दिया। हाँ जी ठीक है, अब अपनी अपनी बेल्टें बांध लें और सफर के लिए तैयार हो जाए। आपका जहाज उड़ने वाला है क्योंकि बारिश होने वाली है। आपका गीले होने वाले हैं, आपका जहाज उड़ने वाला है, बारिश होने वाली है क्योंकि गीले होने वाले हैं। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए हमारी ट्राम आने वाली है, हम उस ट्राम पे घुस जाएंगे। तो जी ये था वापसी का सफ़र, डॉक्टर को चेक करा लिया था, हम लोग आ रहे थे वापस। और देखें इतना प्यारा व्यू था, मैंने कहा आपको भी दिखाऊं। सूरज निकल आया था हल्का सा, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ और बहुत ही शदीद वाली सर्दी हुई थी कि यानी कि मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ था और दो मिनट मेरे से मोबाइल नहीं पकड़ा जा रहा था। हालाँकि देखें सूरज भी कितना प्यारा निकला हुआ, लेकिन सूरज का कोई नहीं असर हो रहा था। हवाएँ बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत ठंड वाली सी उनमें ठंड थी हवा में। तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह से हम वापस जा रहे थे, वापस जाके घर में शुरू कर देंगे जी अपने काम। और बस जी मैं आज ये मैक्रोनीस की पास्ता की कोई शक्ल बनाने लगी थी। ये मुझे शक्ल बड़ी प्यारी लगी थी, मैं पहले एक दफ़ा लेकर आई थी, मैंने बहुत पहले बनाई थी। और अब ये मैंने पानी गर्म कर रही थी और इसमें मैंने ऑयल डाला था और थोड़ा सा नमक सुट लेंगे, मुझे बहुत ही फिक्की लगती हैं। आज मैं इसको चिकन और क्रीम के साथ बनाऊंगी इंशाल्लाह, सॉस वगैरह डाल के, तो आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं इसको इसमें ये सारे सुटा दूंगी, थोड़ा सा पानी गर्म होता है तो बॉईल करके इसको निकाल लेंगे। ये जी इधर पास्ता मैक्रोनी, सारे नाम मैंने इसे दे दिए हैं। ये बॉईल हो रहा है, यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें मैंने ज़ीरा और कलवंजी थोड़ी सी डाली है। और यहाँ पर मैंने चिकन जो रात को मेरीनेट किया था इसमें मैंने डाला था जी। हम अपना टच ज़रूर देंगे क्योंकि मेरे को लोग फिक्कियाँ चीज़ें नहीं खान होनियाँ। तो ये मैंने इसमें तंदूरी मसाला थोड़ा सा डाला था और लेमन और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया था। और ये रात को ही मैंने चमचा, देखो मेरा कितना बड़ा, तो इसको मैंने रात को ही लगा के रख दिया था। तो उसके बाद ये है कि अब इसको करेंगे हम जी, इसमें डालेंगे अब ये थोड़ा सा हो जाए, पहले मैं उसको देख लूँ कि वो क्या तड़फ तड़फ रहे जी। तो वहाँ पे पास्ता मैक्रोनी सारा कुछ उबल रहा है, यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया मैंने। और पहले मैंने आपको दिखाया था मैंने चिकन के पीस अभी ना मसाला लगने के बाद देखा कि बड़े थे, क्योंकि रात तो मैंने चढ़िया सी गुस्सा, तो मैंने जो भी था बस निकाल के रखा हुआ था चिकन, तो मैंने इसी को मैरिनेट करके रख दिया। अभी मैंने देखा कि पीस बड़े हैं, इसमें पीस बड़े इतने अच्छे नहीं लगते, तो मैंने सोचा कि इसको कर लेते हैं छोटे पीस। तो ये बस अल्हम्दुलिल्लाह से हो गए हैं छोटे पीस, तो इसको डाल देंगे इस तरह।
उसमें मैंने दही भी ऐड किया था, तंदूरी मसाला ऐड किया था थोड़ा सा, और बाकी ऑयल था, और थोड़ा सा लेमन भी ऐड किया था। अभी इसके पीस मैंने किए हैं छोटे 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 छोटे। रात को दिमाग ख़राब हुआ हुआ था, थकी हुई भी थी, नींद भी आ रही थी, तो इसको भी मैरिनेट करके रखना था। थोड़ी सी कलौंजी मैं ऊपर से और डाल दूँगी, और बकाया अब इसमें जो सॉस है वो भी डाल दूँगी। फिर इसको थोड़ा सा ये फून बन के तो लगाएंगे लिड, और थोड़ा सा ये गल जाए। ठीक है जी, ये जी बिल्कुल गल गई हैं। तो अभी मैंने इधर पानी खोल दिया है और नीचे ये रख दिया है। मैंने इस बार में उतार लेती हूँ, ज़ाया तो नहीं करनी ना जी। इनमें हम सारा एक दफ़ा ठंडा पानी फिर फूर लेंगे, ताकि ये आपस में चिकन मेरा हो रहा है, मेरा नहीं मुर्गी का। मुर्गी का चिकन हो रहा है, ये देखें। अभी इसका दही का पानी सही से निकल रहा है, ये गल जाए तो फिर नेक्स्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, चिकन अल्हम्दुलिल्लाह से तकरीबन हो गया है, और बड़ा प्यारा सा कलर भी इस पे आ रहा है। बस थोड़ी देर इसे और करेंगे, और इसके बाद इसको उतार लेंगे, और फिर इसका बनाएंगे सॉस, और फिर सब कुछ कर देंगे मिक्स मुकस। चिकन डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर मैं यूज़ करूँगी ये क्रीम, ये वाली, और उसके बाद ये वाला मैं टमाटो सॉस यूज़ करूँगी। टकन टह गया यार। और इसमें है जी ऑलिव ऑयल, गार्लिक और टमाटर, और ये ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी, ऑर्गेनो यूज़ करूँगी, हर्ब्स यूज़ करूँगी, और वही पार्सले और लहसुन का थोड़ा सा पाउडर, ये भी थोड़ा सा ऐड करूँगी, और बाकी थोड़ा सा नमक चख लूँगी अगर ज़रूरत हुई तो। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे, इसको आज़ाद करेंगे, और फिर सॉस बनाएंगे। ये जी मैंने ऑयल गरम किया है उसी पैन में, उसको थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, और क्योंकि वही सारा कुछ इसमें जाना है। तो ये जी डालेंगे टोमेटो सॉस हो गया, ठीक है जी। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला हुआ, ठीक है। और बाकी इसमें अब मैं डालूंगी जी ऑर्गेनो, हर्ब्स, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड करूँगी बस, ये पार्सले और लहसुन का पाउडर, ब्लैक पेपर, और उसके बाद जी ये सॉल्ट मेरा पड़ा हुआ था दूर, ये हमने कर दिया सॉल्ट ऐड, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा मिक्स मिक्स मिक्स, क्योंकि ये टमाटर बड़ा अशलने लग पड़ता है। तो फिर हमने क्रीम जो यहाँ पर फेंट फूट के रखी हुई थी, थोड़ा सा उसको होने देंगे, और फिर ये डालेंगे, ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि ब्लैक पेपर, मुझे लग रहा है कि थोड़ा डाला है मैंने, थोड़ा सा और ऐड करूँगी बस, बाकी तो सारी चीज़ें पूरी होंगी। ये क्या जी, इसको हम अच्छे से हिला 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 लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सॉस को इतना पकाने की ज़रूरत ही नहीं होती, पूरी सी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो जी इधर इसमें ऐड कर देंगे जी चिकन, एक हाथ नाल कम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। ये देखें मजेदार, देखें मैं दिखा क्या रही हूँ आपको, कैमरा मैंने ऊपर उठाया हुआ है, ये देखें जी
अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारा गया चिकन। अब चिकन को करेंगे मिक्स 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 मिक्स। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हो गया है इसमें मिक्स, और मैं इसको भी सारा इसमें डाल देती हूँ। चीज़ ज़ाया कोई नहीं करनी आपने। ये देखें जी मुझे, मैंने इतना ही सॉस रखना है, तो अब मैं इसको डालना शुरू करूँगी। मैं हाथों से ही डाल रही हूँ फिर, क्योंकि इकट्ठा डाल दो ना तो मुझसे तो हिलाया नहीं जाता, इतना हिलाना मुश्किल हो जाता है इसको भी। ये देखें जी, तो इस पे हम ना चूल्हा बिल्कुल कर देंगे आहिस्ता। ये देखें जी, अच्छा ये खाना मुझे तो बनते बहुत मज़े के हैं, शेप्स इनकी डिफरेंट डिफरेंट्स होती हैं, लेकिन एनु खान बड़ा औखा ने। वो एक दफ़ा मैं छोटी होती थी तो मेरी अम्मी कहीं गई हुई, तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि मुझे सेवैयाँ बना दो ना। मैंने उसको सेवैयाँ बना दी, बनाने की बड़ी जैसे अम्मी को देखते रहते थे, मतलब ऐसे इतने हम, मतलब हम दोनों इतने बड़े नहीं थे, तो वो मैंने तोड़ी नहीं ना सेवैयाँ, वो बन तो गई। वो दूध ऊपर उबाल के और रख के उसमें चीनी शीनी घोल घाल के मैंने उसको बना तो दी, लेकिन वो जब बेचारा खाने लगे तो वो पूरी पूरी उसके मुंह में लटक लटक के आ रही। तो कहता ये तुमने क्या किया है, हमें समझ ना आए कि ये हुआ क्या है। मुझे तो बिल्कुल जहन भी नहीं था कि इसको तोड़ते भी हैं। तो खैर फिर अम्मी को, हमने अम्मी आई, हमने उन्हें बताया तो कहते हैं उसको तोड़ते हैं। और हम इतने छोटे थे कि चूल्हे तक नहीं पहुंच सकते थे, मतलब उस वक्त तो ये वाले चूल्हे तो नहीं होते थे, दूसरे वाले होते थे। अरे एडी भी पुरानी नहीं है हमें तो, लेकिन ये है कि वो ना हमने नीचे इस तरह वो रख के, क्या कहते हैं वो चौकी टाइप जो भी चीज़ होती है ना, तो उसके ऊपर एक स्टूल सा था, उसके ऊपर खड़े हो गए ना, तो हम दोनों ने ये कार्रवाई की। तो और मेरी जो छोटी बहन है ना, वो बिल्कुल इन कामों में शरीक नहीं होती थी, मतलब वो ना इस तरह की कोई चीज़ ज़ाया होने वाली, और वो बड़ी मतलब इस तरह संभल के चलने वाली है, वो इस तरह से है, तो वो चीज़ इनमें नहीं होती थी। हमें नहीं होता था कि अगर चलो ठीक है बनाते तो है ना, कुछ तो करते हैं, तो वो हमने बनाई ली। वो मुझे आज इनको देख के वो याद आ रहा है कि मतलब उस वक्त उस बेचारे ने मुझे कहा तो मैंने बनाई, लेकिन देखे बना क्या। तो ये मेरे पास एक क्रश हुई हुई चीज़ थी, ठीक है। ये है जी मैक्रोनीस, ये हम है, ये चीज़ है, और ये हमारी है मैक्रोनीस, जो भी आप कर लें। तो ये डालेंगे अब इसके ऊपर, अभी चूल्हा ऑन ही है, ये इस स्टेज से मुझे बहुत ही टेस्टी लग रही है, मतलब तो मैंने अभी थोड़ी सी चखी भी है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वाइट सॉस के साथ भी बनाते रहते हैं, हर तरह की बनती है, ये भी बहुत मज़े की बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक्सपेरिमेंट करने चाहिए जी, कुकिंग खुद बखुद आ जाती है बंदे को, यकीन करें, डरे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह करके बनाए, शुक्र अल्लाह पाक का करके बनाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के बनाए, सारा कुछ बन जाएगा ठीक। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा दूंगी दम, और फिर आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। चलें जी इसकी फाइनल लुक देखते हैं। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसके ऊपर तोड़ेंगे जी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, हल्का सा बस जी। इस पॉइंट तो तुसी चूल्हा कर देना है बंद, और फिर तुसी गरम गरम ही खा लेना है। तो अभी मैंने चूल्हा भी साथ थोड़ा बहुत साफ किया, भी टमाटर ने वो शोर बर्पा किया है ना जब डाला है उसको, भाई वाकई वो गाना नहीं था ये, मुंडे नहीं डरते शोर शराबा कर दे, ये टमाटर नहीं डरते उछल कूद करते। तो चलें जी अब चूल्हा कर देंगे हम बंद बूंद, ठीक है। तो ये देखें जी मज़ेदार सितियार हैं, खाएं पिए मज़े करें, आ जाएं सब, अल्हम्दुलिल्लाह सब आ जाएं, खाएं पिए मज़े करें।
ये था आज का छोटा सा व्लॉग जो आपसे किया शेयर, और एक छोटी सी रेसिपी भी की आपसे शेयर। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। मुझे देखने का फिर से एक दफ़ा बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। तो जी व्यूर्स, ये था आज का छोटा सा वीलॉग जो आपसे किया शेयर, और पास्ता की एक रेसिपी आपसे की शेयर। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। मुझे देखने का फिर से एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। मेरे चैनल को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।